मेरा अपना ऐसा मानना है कि इस व्यक्ति के बारे में हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो आप देखते हैं कि सुबह से ट्विटर हो, फेसबुक हो, उस पर अब इनकी जयंती को लेकर आप देख रहे हैं, इनके जन्मदिन को लेकर इनके विचारों को शेयर किया जा रहा है, इनकी फोटो भी शेयर की जा रही है। लेकिन इनके विचारों को अपने अंदर उतारना एक बहुत बड़ी बात होती है, और आप देखेंगे तो इनसे जुड़ी हुई कई कहानियां हैं, और ऐसी कहानियां हैं कि आज की अगर नेता इनने अपने अंदर लाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, देश की तस्वीर बदल सकती है। इनके प्रधानमंत्री का कार्यकाल देख लीजिए, या फिर आपने देखा है रेल मंत्री का कार्यकाल देख लीजिए, ये हमारे देश की पहचान है। आज के नेताओं को देखिए आप लोग, इनके विचारों को पढ़ने के बाद अब आज के नेताओं पर शर्म आप खुद खाएंगे कि इस तरह के नेताओं को हम लोग चुनाव करते हैं, हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं। तो इनके जन्म की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होगा, मुझे लगता है कि 2 अक्टूबर 1904 को बनारस में इनका जन्म होता है। भारत का एक राज्य आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आप लोग बनारस भी जाते रहते होंगे घूमने, तो बनारस में इनका जन्म होता है। और आप देखते हैं 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद पर थे जब इनकी डेथ हो जाती है ताशकंद में, सोवियत संघ में। और आप देखेंगे इनकी मौत अभी भी रहस्यपूर्ण बनी हुई है, पता ही नहीं चला कि किस कारण इनकी मौत हुई, क्या वजह थी मौत की। आप देखेंगे इनके समय ही आप देखेंगे भारत पाक युद्ध हुआ, 1965 की बात करें, जिसमें आपने देखा है पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने जब भी इस तरह की हरकतें की है उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आप देखेंगे सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। और एक और आपने नाम देखा होगा, खाद्यान्न की बहुत सारी और बहुत कमी देखी जा रही थी, भुखमरी खड़ी हुई थी। इनके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, तब भी आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत काम किया उसके लिए। कहते हैं कि अपने निवास पर ही आप देखिए कि गेहूं की मतलब खेती करने लगे थे, तो ऐसे थे प्रधानमंत्री हमारे, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहा हूं मैं। इनके कुछ कहानियां हैं, उन्हें हम लोग जान लेते हैं, और मुझे लगता है कि जानना भी चाहिए हमें, क्यों ना जानना चाहिए, और टाइम तो हमारे पास रहता ही है, और आजकल तो आप देख रहे हैं कि आपके पास स्मार्टफोन भी आ चुके हैं, तो आप मुझे लगता है इनकी बायोग्राफी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और आपको पीडीएफ के रूप में मिल भी जाती है, गूगल पर आप लोग सर्च करेंगे तब। तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के समय की बात करें कि एक बार शास्त्री जी एक दुकान में साड़ी खरीदने गए, समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री एक दुकान पर साड़ी खरीदने गए, उस समय की बात कर रहा हूं। दुकान का मालिक शास्त्री को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने वो उनके आने को अपना सौभाग्य माना और स्वागत सत्कार किया। शास्त्री जी ने कहा कि वे जल्दी में हैं और उन्हें 4 से 5 साड़ियां चाहिए, 4 से 5 साड़ियां खरीदनी है। दुकान का मैनेजर शास्त्री जी को एक से एक बढ़कर साड़ियां दिखाने लगा। उसने यही सोचा कि प्रधानमंत्री साहब आए हुए हैं और महंगी से महंगी साड़ी दीजिए, अच्छे से अच्छी साड़ी दीजिए। लेकिन आप देखेंगे इन साड़ियों की काफी कीमत थी, और मुझे लगता है तो आज के सरपंच के आज तो आप सरपंच भी बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने घर में फॉर्चूनर खड़ी कर लेते हैं। ये अलग बात है कि जनता फटीचर हालत में रहती है, अपना घर भरना ही मुझे लगता है कि राजनीति का धंधा एक तरह से आप कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि कोई पूछता है तो मुझे लगता है देश में सबसे अच्छा धंधा कोई प्रॉफिट में है तो वो राजनीति है, कम समय में और ज्यादा लाभ कमाना। तो कहते हैं कि शास्त्री जी बोले कि भाई मुझे इतनी महंगी साड़ियां नहीं चाहिए, कम कीमत वाली दिखाइए। और मैनेजर ने कहा कि सर आप इन्हें अपना ही समझिए और दाम की तो कोई बात ही नहीं है। आजकल तो आप देख रहे हैं कि विधायक बन जाते हैं तो पूरे बाजार से उगाही करने लगते हैं, और उस समय एक प्रधानमंत्री आप समझ रहे हैं खड़ा हुआ है। और दुकान का अंदर कहता है कि यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप पधारे हमारी दुकान पर। शास्त्री जी उसका आशय समझ गए और शास्त्री जी ने कहा कि मैं दाम लेकर ही लूंगा, यानी कि मैं इन साड़ियों की कीमत ही मतलब पैसे ही देकर खरीदूंगा, और मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो और कम कीमत की साड़ियाँ ही दिखाओ,
और कीमत बताओ। तब मैनेजर ने थोड़ी सस्ती साड़ियां दिखानी शुरू की। शास्त्री जी ने कहा कि ये भी मेरे लिए महंगी है ही है, और कम कीमत वाली साड़ी दिखाओ। मैनेजर एकदम सस्ती साड़ी दिखाने में संकोच कर रहा था कि एक प्रधानमंत्री है आखिर, इनके पास क्या कमी है पैसे की। आज तो आप देखते हैं कि कोई भी आपका नॉर्मल कोई विधायक को देख लीजिए, वो महंगी से महंगी मांगता है। तो इसमें आप देखेंगे शास्त्री जी भाव के, उन्होंने कहा दुकान में जो सबसे सस्ती साड़ी हो वो दिखाओ, मुझे वही चाहिए। और आखिरकार मैनेजर ने उन्हें मन मुताबिक साड़ियां निकाली, शास्त्री जी ने कुछ चुनी और कीमत अदा कर चले गए। और मुझे लगता है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद अगर आपके पास एक दिमाग है ना, और व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी से दूर होंगे, तो इस कहानी को बहुत बेहतर आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि आपके पास भी दो आंखें हैं, कान से सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, दिमाग से भी आप, मतलब आप समझ रहे हैं, अपना आकलन कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो। तो करते रहिए, और मुझे लगता है कि समझने वाले समझ भी गए होंगे। एक कहानी और जुड़ी हुई है इसे, सुना होगा आपने कि ट्रेन से इन्होंने कूलर निकलवा दिया था। बात तब की है कि जब शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे और वे मुंबई जा रहे थे, उनके लिए प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगा था। और गाड़ी चलने पर शास्त्री जी बोले, डिब्बे में काफी ठंडक है, वैसे बाहर गर्मी है। तो उनके एक प्रिय पीए थे, आजकल भी तो आप देखते हैं नेताओं के पीए हुआ करते हैं, कैलाश बाबू, इन्होंने कहा कि इसमें कूलर लग गया है। शास्त्री जी ने पैनी निगाह से देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, कूलर लग गया है बिना मुझे बताए? आप पूछते क्यों नहीं हो, क्या और लोगों को गर्मी नहीं लगती होगी? शास्त्री जी ने कहा कि कायदा तो यह है कि मुझे भी थर्ड क्लास में चलना चाहिए, पर जितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे गाड़ी जहां रुके वो पहले कूलर निकलवाइएगा। फिर क्या, मथुरा स्टेशन आ गया और कूलर निकलवा दिया गया। आज भी फर्स्ट क्लास के उस डिब्बे में कूलर की जगह लकड़ी जड़ी है। आप समझ रहे हैं, ये थे आपके शास्त्री जी। और आजकल आपके देखते हैं, मैं बार बार उदाहरण सरपंच की दे रहा हूं, और सरपंच होगा तो उसे बड़ा बुरा लगता होगा, लेकिन आप देखते हैं आप लोग सरपंच बन जाता है तो वो इस एसी से नीचे में कदम ही नहीं रखता है। और वैसे विधायक बन गया तो क्या विधायक से आप लोग इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? आज के नेताओं से आप लोग इस तरह की उम्मीद रख सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के नेता मिल सकते हैं इस समय। और उसी का भुगतान आप देखिए जनता कर रही है, इसमें कोई दोहराए भी नहीं। तब जाकर हम देखेंगे कि उस समय की समस्याएं जो खड़ी हुई थी उनसे हम निपट सके और आगे बढ़ सके। और इसीलिए आपसे कहता हूं कि आज के नेताओं से उस समय के नेताओं की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि आज के नेताओं में आप देखेंगे उस समय के नेताओं में तुलना करने जाएंगे तो जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। एक और कहानी जुड़ी हुई है, सरकारी कार का किराया बढ़ने का एक किस्सा। लाल बहादुर शास्त्री के दूसरे बेटे सुनील शास्त्री जी एक घटना बताते हैं। वो याद करते हैं कि जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उनके इस्तेमाल के लिए उन्हें एक सरकारी सियोरोले इम्पाला कार दी गई। और आप देखते हैं कि जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको इस तरह की सुविधाएं मिलती भी हैं। तो एक दिन इनके बाबूजी ने निजी सचिव से कहा कि वो ड्राइवर को इम्पाला के साथ घर भेज दें, और हमने ड्राइवर से कार की चाबी ली और दोस्तों के साथ ड्राइव पर निकल गए। ये शास्त्री जी के जो बेटे सुनील शास्त्री है वो बताते हैं, और इसके आप लोगों ने इस बात को सुना भी होगा मुझे तो लगता है। देर रात जब वो घर लौटे तो इन्होंने कार को गेट पर ही खड़ी कर दी, और घर के पीछे से ये किचन के रास्ते घर में चले गए, और ये बाहर अपने कमरे में सो गए। और अगले दिन सुबह 6:30 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो सुनील शास्त्री ने सोचा कि नौकर दरवाजा खटखटा रहा होगा, और इन्होंने चिल्ला के कहा कि अभी मुझे तंग ना करें क्योंकि मैं रात देर से आया हूँ। और इन्होंने दरवाजे पर दस्तक हुई और इन्होंने देखा कि बाबूजी यानी कि सामने खड़े हुए कौन, लाल बहादुर शास्त्री की बात हो गई है। और उन्होंने मुझे मेज तक आने के लिए कहा, और जब जहाँ सब लोग चाय पी रहे थे वहाँ अम्मा यानी कि इनकी लाल बहादुर शास्त्री की बीवी ने पूछा कि कल रात तुम कहाँ गए थे, इतनी देर में क्यों लौटे? बाबूजी ने पूछा तुम गए कैसे थे? तब मैं लौटा तो हमारी फिएट कार तो पेड़ के नीचे खड़ी थी।
तो सुनील शास्त्री बताते हैं कि इन्होंने सच बताना पड़ा और इन्होंने सरकारी इम्पाला कार के घूमने निकले थे। बाबूजी इस कार तभी इस्तेमाल करते थे जब कोई विदेशी मेहमान दिल्ली आया करता था और सरकार का कोई काम हुआ करता था, अपने पर्सनल काम के लिए, अपने निजी काम के लिए वो सरकारी जो भी कार मिली हो और भी सुविधाएं हो उनका उपयोग नहीं करते थे। चाय पीने के बाद लाल बहादुर शास्त्री कार के ड्राइवर को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या अपनी कार में कोई लॉग बुक रखते हैं। जब उन्होंने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने पूछा कि कल इम्पाला कार कुल कितने किलोमीटर चली, तो ड्राइवर ने उसे कहा कि 14 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा कि इसे निजी इस्तेमाल की मद में लिख देना, यानी कि निजी काम के बुक में लिख देना कि निजी काम से 14 किलोमीटर कार यूज हुई। और अम्मा को निर्देश दिया कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के लिए जितना पैसा बनता है और उनके निजी सचिव को दे दें ताकि उसे सरकारी खाते में जमा कराया जा सके। तब से लेकर आज तक इनने और इनके भाई ने कभी भी निजी कार्य के लिए सरकारी कार का उपयोग नहीं किया। और मुझे लगता है कि यहाँ भी आप लोगों ने अगर ये कहानी पढ़ी है और समझने की कोशिश की हुई है तो बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, आज आप देख लीजिएगा, आज आप तुलना कर लीजिएगा। मुझे लगता है तो आज के समय में तो आप देखिए सरकारी जो कारें मिली हुई हैं, जो सुविधाएं मिली हुई हैं, जनता की भलाई के लिए कम उपयोग होती हैं, अपने निजी कामों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होती हैं। और एक बात हमेशा याद रखा करिएगा, मुझे लगता है इतने ना तो समझ आप लोग हो और ना ही कोई, मुझे नहीं लगता है कोई ना समझे। जिसके पीछे 10-50 कार चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, वो ईमानदार नेता, मुझे मतलब ये बात हजम नहीं होती है। क्योंकि आप देखिए उनके पास इनकम का क्या स्रोत है, कहां से लाते हैं, आपका ही टैक्स का पैसा रहता है। अब एक और बात उठती रहती है, कई बार पूछते रहते हैं लोग कि मैं टैक्स नहीं देता हूं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि टैक्स अमीर से अमीर व्यक्ति देता है और गरीब से गरीब व्यक्ति देता है। और आपको बता दूं कि नेता जो काम कर रहे हैं, जो भी जहां भी जा रहे हैं, जो भी सुविधाएं पा रहे हैं, वो आप सभी के पैसों से ही पा रहे हैं। क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन होगा, कोई भी फोन होगा, चलिए ये भी मान लेता हूं कि आपके पास फोन ही नहीं है, फिर भी आप लोग एक माचिस तो खरीदने जाते होंगे, एक साबुन तो खरीदने जाते होंगे, घड़ी साबुन तो खरीदते होंगे। तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा, उस पर आपका साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप इसमें, आपने जो खरीदा हुआ है, 5 रुपए दिया हुआ है, इसमें सभी टैक्स जोड़ के दिए हुए हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि एक समय 5 रुपए का जो साबुन आता है वो 2 रुपए का आया करता था, और आजकल बढ़ के आप देखिए कि उसकी वजन उतना ही है लेकिन उसकी कीमत बढ़ के 5 रुपए हो गई। तो आप समझ सकते हैं ये रही कहानी। तो इसलिए कोई ये मत कहा करिएगा कि मैं टैक्स नहीं देता हूं, मुझे क्या लेना देना है, आप सभी टैक्स देते हैं। और आप सभी को इसीलिए एक सूचना का अधिकार दिया गया था कि आप जो पैसा दे रहे हैं, आपकी पैसे से सरकारें चल रही हैं, तो आपको ये जानने का भी तो अधिकार है कि आपका पैसा सही ढंग से खर्च हो रहा है, सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन सूचना के अधिकार के तहत कितने लोग इसका उपयोग करते हैं, ना के बराबर। आप देखिए संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका उपयोग कितने लोग करते हैं, ना के बराबर। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि देश की स्थिति क्या बनी हुई है। खैर छोड़िए, ये कहानी से बहुत कुछ सीख लिए होंगे कि आज तो आप देखिए कि सरकारी संपत्ति हो, सरकारी जो भी हो, सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है इसका। और उस समय के प्रधानमंत्री को देखिए। एक और इनकी कहानी दिलचस्प है, और आज के नेताओं से अगर तुलना करेंगे तो आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। खुद सारी जिम्मेदारी लेने को रहते थे तैयार, यानी कि हमारी कोई गलती है तो हम पूरी तरह से उस गलती को स्वीकार कर लें। और आज के समय में आप देख रहे हैं सबसे बड़ी यही गलती है। आप देखिए कि नेताओं का कुछ भी अच्छा काम होता है, खुद खुद उसका श्रेय ले लेते हैं। आप देखिए देश में कोई गलत काम होता है, उसके लिए आप देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, गांधी जी,
भीमराव अम्बेडकर साहब, लाल बहादुर शास्त्री साहब, इन सब पर डाल दिया जाता है। कोई मुद्दा आता है तो कभी कह दिया जाता है कि नेहरू जिम्मेदार हैं, गांधी जिम्मेदार हैं। अभी एक एमपी के किसी नेता का बयान सुन रहा था मैं, बड़ा हास्यास्पद था। किसी ने कहा कि नेताजी महंगाई बढ़ चुकी है, तेल की कीमत आसमान छू रही है, तो नेताजी ने जवाब दिया कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा आपने नेता चुना हुआ है और कितने आगे देश तक देश को ले जाएगा। तो एक कहावत आप देखते हैं कि आज भारतीय नेता बड़े बड़े कांड होने पर कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन शास्त्री जी एक ऐसे नेता थे जो किसी भी घटना पर अपराध बोध होने की सूरत में अपनी जिम्मेदारी लेने से नहीं हिचकिचाते थे। आप देखेंगे एक बात है 1952 की, जब उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया, उन्हें परिवहन और रेल मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। और आप देखेंगे कि 4 साल बाद 1956 में अडियालूर रेलवे दुर्घटना हुई, जिसमें कई डेढ़ सौ से अधिक लोग मारे गए थे इस रेल दुर्घटना में। और उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, रेल मंत्री त्याग दिया था, रेल मंत्री से हट गए थे। आप देखिए कि उनकी वहां कोई गलती नहीं थी। आज तो आप देखते हैं कि मंत्री साहब के विभाग में भ्रष्टाचार होता है, मंत्री को पता होता है, फिर भी वो कुर्सी नहीं छोड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे नेता रहे हैं हमारे देश में, ऐसे महापुरुषों के देश में हम लोगों ने जन्म लिया हुआ है। और शास्त्री जी के इस निर्णय का देश भर में स्वागत भी किया गया, और आज के नेताओं को इससे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। लेकिन लें तब तो, वो तो केवल विचारधारा की बात करते रहते हैं, कोई गांधी की, कोई लोहिया की, कोई सरदार पटेल की, कोई भीमराव अम्बेडकर की, लेकिन उनकी विचारधारा से इनका कोसों कोसों तक कोई लेना देना नहीं होता है। बस उनकी विचारधारा के इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करते हैं कि वोट मिल जाए बस। एक और शास्त्री जी की बड़ी चर्चित कहानी है, और मुझे लगता है कि इससे भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। शास्त्री जी ने एक लोन पर कार खरीदी थी, आप समझ रहे हैं, एक प्रधानमंत्री बन रहा है और उसे कार लोन पर खरीदनी पड़ रही है, और उस समय आप देखिए 12,000 की थी मात्र। एक प्रधानमंत्री के पास 12,000 नहीं थे कि वो कार खरीद सके, उधार खरीदता है कार। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने तक उनका अपना घर तो क्या एक कार भी नहीं थी। और एक बार उनके बच्चों ने एक तरह से उनसे कहा कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और अब हमारे पास अपनी कार होनी चाहिए। और उस जमाने में एक फिएट कार 12,000 रुपये में आती थी, और उन्होंने अपने एक सचिव से कहा कि जरा देखें उनके बैंक खाते में कितने रुपये हैं। उनका बैंक बैलेंस 7,000 रुपये था उस समय, आप समझ सकते हैं। आज अपने प्रधान की तुलना कर लीजिए। और याद रखिए, मैं इसमें जितना प्रधान जिम्मेदार है या बाकी के नेता जिम्मेदार हैं, उतनी ही इस गलतियों के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हम भी ऐसे नेताओं को चुनते हैं, उसमें हमारी भी तो गलती है। तो कहते हैं कि इनके जो सचिव हुआ करते थे अनिल, तो जब बच्चों को पता चला कि शास्त्री जी के पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कार मत खरीदी। इनके बेटे थे अनिल, ठीक है, लेकिन शास्त्री जी कहा कि वो बाकी जो भी पैसे हैं बैंक से लोन लेकर जुटाएंगे। और कहते हैं कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कार खरीदने के लिए 5,000 रुपये का लोन लिया, और एक साल बाद लोन चुकाने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी, और कहते हैं कि सरकार की तरफ से लोन माफ़ करने की पेशकश की गई, लेकिन उनकी पत्नी थी लाल बहादुर शास्त्री की, ललिता शास्त्री ने इसे स्वीकारा नहीं है, और उनकी मौत के 4 साल बाद अपनी पेंशन से लोन चुकाया गया। आज के नेताओं से आप ये उम्मीद कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि दूर दूर तक आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, तब जाकर आज हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं उनके कामों की वजह से, जिसे आप लोग कर्म भी कह देते हैं। और आज के नेता को देखिए, जाने के बाद कोई पूछने वाला नहीं रहता है।
सूट वूट आजकल देखिए सब पहनते रहते हैं। और उस समय एक और कहानी जुड़ी रहती है, कहते हैं कि जब ये शपथ लेने जा रहे थे तो इनकी धोती थोड़ी फटी हुई थी, तो इनकी पत्नी ने कहा कि एक कम से कम एक नई धोती ही खरीद लीजिए। और उस समय आपने देखा कि किसानों की हालत बहुत बुरी थी, तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि देश भर के किसान फटी हालत में हैं और तुम्हें फटी धोती दिख रही है। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। तो मुझे लगता है कि आप बेहतर समझ पाए होंगे, और नहीं समझ पाए हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। चलते रहिए अपने रास्ते पर, अगर उसी में खुशी है तो उसी को अपनाए रहिए। खैर जाना तो है ही, मंजिल तक तो पहुंचना ही है। अब को कौन कैसे जा रहा है वो मायने रखता है। चलिए इस तरह के लोगों की हम लोग वैसे बात तो करते रहते हैं, और बताया करिए अगर किसी के और के बारे में बात करनी है। ठीक है।